हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो आज का टॉपिक हमारा समान गुणनखंड निकालना या ज्ञात करना। आपको इन एग्जाम्पल में समान गुणनखंड निकालने कि किस किस के समान गुणनखंड है या ज्ञात करने आपको, ठीक है ना। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए 8 और 4 का निकालना। तो मैं पहले 8 का निकाल रहा हूँ, पहले 8 का निकाल रहा हूँ समान गुणनखंड। तो आपके 8 के गुणनखंड क्या होंगे? पहला होगा 1, दूसरा 2, तीसरा क्या होगा 4, और चौथा 8। ठीक, ये गुणनखंड। अब मैं निकाल रहा हूँ किसका, देखिए अब मैं निकाल रहा हूँ 4 का, 4 का गुणनखंड निकालना है। तो अभी 4 का निकाल रहा हूँ, तो 4 का पहला होगा 1, दूसरा 2, तीसरा 4। अब इसमें देखिए समान किस कौन से गुणनखंड है। तो देखिए समान 1 2 3 और 1 2 3, तो इसमें कितने समान गुणनखंड है? इसमें है 3 समान गुणनखंड। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या करना है, 10 का निकालना है और 5 का निकालना है, 10 का निकालना है और 5 का निकालना है। तो 10 का कैसे निकालना है? 2, फिर पहले 1 आएगा, उसके बाद 2, 2 आएगा, उसके बाद 5, और उसके बाद 10 आएगा। ठीक, अभी आपको निकालने 4 के, 4 के नहीं 5 के, 10 के निकाली 5 के निकालने। 5 का पहला आएगा 1, दूसरा आएगा 5। ठीक, पहला 1 आएगा और पहला 1 आएगा और दूसरा आएगा 5। ठीक, अब इनमें देखिए इन समान कौन से हैं। इसमें 1 और इसमें भी 1 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो इनमें समान गुणनखंड कितने हैं? इनमें समान गुणनखंड है 2, क्योंकि 2 ही है ना समान, 2 ही है ना समान। तो इसमें 2 और इसमें 2, तो 2 ही तो समान है, ठीक है ना। ऐसे करना आपको। अब आगे देखिए तीसरा एग्जांपल देखिए, इसमें क्या आप 16 का और 20 का निकालना। तो पहले मैं 16 का निकाल रहा हूँ, पहले 16 का निकाल रहा हूँ। तो 16 क्या निकालना? पहला होगा 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा, तीसरा 4 और चौथा क्या होगा? 8, और पांचवा 16। ये हो गए 16 के। अब निकालने आपको 20 के, तो 20 के कैसे निकालोगे? 20 के कैसे निकालोगे? देखिए आप अभी आपको 20 के निकालने, 20 का पहला होगा 1, दूसरा होगा 2, तीसरा क्या होगा? तीसरा 4, चौथा 5, और छठा 20। ठीक, अब इनमें देखने समान कितने गुणनखंड है, ठीक है ना। इनमें देखने समान कितने गुणनखंड है, तो पहले देखिए 1 1, 2 2, ये भी इसमें समान है, और ये 4 4 भी इसमें समान है, समान है ना। अभी आगे समान नहीं, तो कितने गुणनखंड समान है? तो इन दोनों में 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो समान है। कितने? 3, 3 समान है। अब आगे देखिए, अभी देखिए चौथा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या करना आपको? 25 का और 9 का गुणनखंड निकालना है। तो 25 का निकालूँ, पहले पहले 1 आएगा, दूसरा क्या आएगा? पहले 1 आएगा, दूसरा क्या आएगा? दूसरा 5, तीसरा, तीसरा क्या आएगा? तीसरा 25। ठीक, अभी आपको किस किसके निकालने? 9 के। 9 का पहला आएगा 1, दूसरा आएगा 3, चौथा आएगा, चौथा कौन सा आएगा? 9। तो इनमें देखिए समान कितने? एक ही गुणनखंड ऐसा है जो समान है, एक एक समान है। तो इसमें गुणनखंड कितने समान है? एक समान है, ठीक है ना। अभी देखिए पांचवा एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल देखिए आप, पांचवा एग्जाम्पल में क्या करना है आपको? निकालने हैं 15 का और 18 का। तो पहले मैं 15 का निकाल रहा हूँ, 15 का पहला आएगा 1, दूसरा आएगा 3, दूसरा आएगा 3, तीसरा आएगा 5, और चौथा आएगा 15। ठीक, अभी देखिए 18 की, 18 की निकालने हैं आपको। 18 का पहला आएगा 1, दूसरा आएगा 2, तीसरा आएगा, तीसरा क्या आएगा? दूसरा 2 आएगा, तीसरा 3, चौथा 6, और पाँचवा 9, और ये 18। इतने गुणनखंड आए। अब इनमें देखने समान कितने? एक समान है दोनों में, दो नहीं है, 3 समान है दोनों में। आगे क्या है? आगे कुछ भी समान नहीं है। तो इसमें कितने गुणनखंड समान है? तो ये देखिए, इसमें 2 गुणनखंड ऐसे हैं जो समान है। क्या है? 2 गुणनखंड समान है। और ये छठा एग्जाम्पल आपको घर पे ट्राई करना है। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।